देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज। और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। होडल विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही विभिन्न गोत्रपाल खाप व गांव ने एकत्र होना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज होडल विधानसभा क्षेत्र में अपना अहम स्थान रखने वाली चौबीसी पाल के बड़े गांव बंचारी ने ऐतिहासिक दाऊ जी मंदिर पर एक विशाल पंचायत कर गांव बंचारी की बहू एवं जिला परिषद की मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी के पक्ष में अपनी हुंकार भरी। पूरी पंचायत में लोगों ने एकमत हो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपना हक मांगते हुए कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बंचारी की बहू डॉक्टर चमेली देवी बंचारी को ही भाजपा की प्रत्याशी बनाया जाए, जिसके लिए वो 24 के सभी गांव और होडल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक करने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही नेताओं ने भी लोगों के बीच जाकर अपनी दावेदारी जतानी तेज कर दी है। आज होडल चौबीसी के बड़े गांव बंचारी में आयोजित पंचायत में एक बड़ा राजनीतिक फैसला हुआ। पंचायत में मौजूद लोगों ने यह फैसला लिया कि अब की बार भाजपा हमारे गांव की बहू डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी को होडल विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाए। किसी और नेता को अब की बार भाजपा कतई टिकट ना दे, क्योंकि पिछली बार भी चमेली का टिकट एन मौके पर काटने से भाजपा को हार का नुकसान उठाना पड़ा था और भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। यदि भाजपा होडल से चमेली देवी सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाती है तो यह चुनाव अकेला चमेली देवी सोलंकी का नहीं बल्कि पूरे बंचारी गांव का होगा और ग्रामवासी पहले चौबीसी के सभी गांव से अपनी बहू चमेली देवी के लिए समर्थन जुटाएंगे, फिर समूचे क्षेत्र में प्रचार व प्रसार कर झोली फैलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और हमको पूछते नहीं है, ग्राम बंचारी का विकास कोई करता नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। और अपने उदयवान जी हैं वो कह देते हैं मेरी सरकार नहीं है, नायर जी वो कह देते हैं मेरे फलाने नहीं है, ऐसे ही होता रहता है तो लोग गुमराह करते रहे। गुमराह करते तो आज बंचारी गांव ने इसलिए हमारा कैंडिडेट अपना मिल गया हमको और हम अपने कैंडिडेट के साथ रहेंगे तनमंडल से। आपको बता दें कि डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी जिला परिषद की चेयरमैन होने के साथ साथ भाजपा अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य एवं चंडीगढ़ की प्रभारी भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वह टिकट की दौड़ में थी, लेकिन होडल से भाजपा की टिकट रामरथ को मिली थी। बाद में चमेली ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद भाजपा द्वारा जिला परिषद की चेयरमैन बनाई गई। अब बंचारी गांव खुलकर उनके पक्ष में आने से भाजपा क्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। बंचारी गांव की पंचायत में उपस्थित लोगों की भारी हाजिरी से गदगद जिला परिषद के चेयरमैन डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी ने भावुक होकर कहा कि आज जिस प्रकार से उनके पूर्वजों के गांव बंचारी ने एकजुट होकर उन्हें बड़ी सामाजिक व राजनीतिक ताकत दी है, वह भी अपने गाँव के सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे तथा जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग पूरे क्षेत्र की सेवा की है उसी कड़ी में मेरा पूरा परिवार आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और आज की जो पंचायत है बंचारी गांव में वो इसी मकसद से रखी गई थी कि आगे आने वाली विधानसभा के अंदर जो है मैं अपने बुजुर्गों का, अपने ग्रामवासियों का, उनका आशीर्वाद लेकर के, उनकी सलाह लेकर के कोई भी काम शुरू करूँ। इस बात का पूरी पंचायत ने समर्थन किया और हर संभव मदद देने के लिए तत्पर रहने का वायदा किया। इस मौके पर डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी बंचारी ने कहा कि क्षेत्र का समुचित विकास ही उनका पहला लक्ष्य रहा है। इसी के चलते उन्होंने जिला परिषद की ओर से होडल विधानसभा में हर संभव विकास करवाए हैं, साथ ही होडल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को भी सरकार से अवगत कराकर उनका निवारण कराया है। अगर इस बार उन्हें होडल से विधायक बनने का मौका मिला तो इलाके का सर्वांगीण विकास करवाएंगी। हसनपुर में यमुना पर पुल, क्षेत्र में मीठा पानी, होडल में पानी निकासी की उचित व्यवस्था, किसान को टेल तक पानी पहुंचाने, खेतों के सभी कच्चे रास्तों को पक्का कराने व होडल में पार्क बनवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वही है शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ वो होडल में सफाई व्यवस्था को सुधारने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगी। मैं 7-8 साल से जो पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, समाज सेवा भी की है मैंने, 12 साल हो गए मुझे काम करते होडल विधानसभा के अंदर जो है, और एक महिला होने के नाते भी मेरा जो हक बनता है, इसलिए पार्टी को मुझे टिकट देनी चाहिए। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माँ बाप ने पढ़ा दिया है, बेटी को बचा भी लिया है, अब आगे सक्षम करना, आगे बढ़ाना, ये सरकार का काम है, पार्टी का काम है। देखिए सबसे पहले तो होडल विधानसभा की आपने देख रहे हैं दुर्दशा हो रही है कि पिछले कई सालों से
लगभग जब से ओडल विधानसभा बनी तब से जो है पिछली सरकारों में किसी ने भी ओडल की शुद्ध नहीं ली है, और इसी वजह से ओडल जो एक पिछड़ा हुआ एरिया बनकर रह गया है। यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है, लोगों के वोट लेकर के उनको बेवकूफ़ बनाया गया है और उनके साथ विश्वासघात किया गया है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश रहेगी कि मैं जनता के जो भी काम होंगे प्राथमिकता के आधार पर मैं उनको करने की कोशिश करूंगी। और आप ओडल का भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर दो दो फुट ढाई ढाई तीन फुट जो है शहर के अंदर जो है गंदगी मच जाती है, पानी भर जाता है। इसके साथ साथ तो शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। गाँव में पानी की समस्या अभी भी है, पीने की सबसे बड़ी समस्या है, खास करके हमारी महिलाएँ जो है वो उनको कई कई दूर किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। क्षेत्र में क्या करेंगे, कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सरकारी? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कोशिश रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है महिला कॉलेज होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और पार्टी से भी अपेक्षाएं रहेगी कि होडल विधानसभा के अंदर जो है लड़कियों के लिए भी कॉलेज दिए जाए और लड़कों के लिए भी दिए जाए यहाँ पर, क्योंकि ITI तो है खाली एक दिगोट के अंदर है, तो जगह जगह जो है ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके, मेरी प्राथमिकता इसी आधार पर। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी विधायक बने हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर होडल क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा। डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी ने कहा कि पूर्व में रहे नैलो व कांग्रेस विधायकों ने होडल विधानसभा की पूरी तरह से अनदेखी की और आज वो भाजपा की टिकट की दौड़ में है। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें दूसरे दलों के नेता पार्टी छोड़कर दिन रोज आ रहे हैं और सभी का पार्टी में स्वागत है। उनकी टिकट की दावेदारी इनसे कहीं कम नहीं होती, बल्कि उनकी पार्टी दूसरे दलों के नेताओं के आने से और मजबूत होती है। डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी बंचारी ने CM मनोहर लाल को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि वह राजनीति को समाज सेवा के रूप में ही लेंगी। पिछली सरकारों में जितनी अनदेखी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए, ओडल का संपूर्ण विकास करने के लिए बहुत सारे कामों की जरूरत है, और मैं अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस होडल का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उस चीज़ों से कोई मायने नहीं है, कोई कितने ही बाहर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी की जो नीति है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के जो लेकर के जो है सभी पार्टियों से कैंडिडेट आ भी रहे हैं, उन सबका स्वागत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। इस अवसर पर अतर सिंह घोड़ा, पूर्व सरपंच भूपराम, पूर्व सरपंच शियाराम, पदम सिंह सौरव, जल्ली मेंबर रंजीत सिंह, डॉक्टर कृष्ण पाल, एडवोकेट अमित कुमार व देवीराम प्रधान सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कंचन TV के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।